बढ़िया मैं जानता हूँ ना दादा। एक मिनट रुको भैया, एक फोटो लेना जरा। ओके अच्छे से लेना। हाँ दादा ये तो हो गई है बढ़िया। आज ये फोटो स्पेशल आई वो राजा महाराजों की जो राजू के पास ये स्पेशल यार। अब हिलना मत यार दादा। दादा हमारे पूर्वजों के बारे में क्या कहना चाहोगे आज रानी लक्ष्मी यहाँ पर आप आए हो? हमारे पूर्वजों में आप लोगों से मेरा कहना यही है कि हमारे पूर्वजों की अगर आप लोगों को जानकारी रहेगी और उनके इतिहास उनके किए कामों की अगर याददाश्त आप लोगों को जानकारी रहेगी तभी जो है आप लोग उनके पदों पर चल सकते हैं। अगर उनकी जानकारी नहीं रहेगी तो आप लोग भटक जाओगे और जो है आपका भविष्य जो है ना उतना अच्छा नहीं बन सकता है, ये ऐसा मेरा आशय है। क्योंकि अगर हम हमारे महापुरुषों को नहीं जानते हैं तो फिर आप क्या करोगे? इसलिए हमारे महापुरुषों को जानना तो बहुत ज़रूरी है। जो अभी की युवा पीढ़ी है उनको स्पेशल में आप क्या कहना चाहोगे अपने पूर्वजों अपनी संस्कृति के बारे में? संस्कृति के बारे में हमारा जो आदिवासी संस्कृति है हमारे युवा पीढ़ियों को मैं कहना चाहता हूँ कि इस साइंस के युग में आधुनिक युग में भाषा और बोली जो है ना खत्म होते जा रहा है। अगर आप लोगों को मेरे युवा पीढ़ियों को अगर अपनी भाषा और बोली अगर कायम रखते हो अपने घर में बोलोगे तो आदिवासियों की पहचान रहेगी और जब आपकी भाषा और बोली नहीं रहेगी तो फिर उसकी कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसलिए आपको अपनी भाषा और बोली अगर कायम रखते हैं तो आपकी धर्म और संस्कृति भी बची रहेगी, ये मेरा कहना है युवाओं से। दादा दो लाइन गोंडी में बोल दी। अच्छा 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 नावा युवाओं से इतने आसान उम्मीद और निवेदन किया था ना है कि अगर मिकुन धर्म संस्कृति मामा आदिवासी परंपरा तुम जिंदो इराना है तो मामा भाषा बोली जो है इमट रोन वोन का की तबे जो है मामा बाल बच्चा सीखे मायनू तबे जो है मामा भाषा बोली जिंदो मंदाल और मामा परंपरा में जिंदो मंदाल। क्योंकि मामा पेन जो भी है देवी देवता जो भी है अब जो है मामा भाषा बोली तल जो है पूजी क्या तल है जबकि जो है मामा भाषा बोली खत्म आता है तो ये सोची कि मामा पेन जनानुमी पूजी क्या ना खत्म आसीदाल ऐसो ना विचार है। बहुत बढ़िया दादा। और दादा मैं एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अच्छा। जो अपने आदिवासी समाज के युवा पीढ़ी है अलग अलग भागों में जाकर आपस में लड़ रहे हैं इनको क्या कहना चाहोगे आदिवासियत के वजह से? बहुत अच्छी बात है। हमारा आदिवासी समाज जो युवा पीढ़ी है चलो बुजुर्गों की तो बात छोड़ दो वो आज है कल नहीं न जाने किस गली में शाम हो जाए इसका कोई पता नहीं लेकिन जो युवा पीढ़ी है उनके कंधों पे तो वजन बहुत है और पूरा भार है आदिवासी का। और जो ये अगर अलग अलग भाग रहे ना कहने का मतलब कहीं ना कहीं ये लोग जो है ना इनको अज्ञानवश इनको जानकारी नहीं है अपने मानव में जन्म लेने का भी इनको एहसास नहीं जब ये खुद को नहीं जान पाते हैं इसीलिए जो इधर उधर भागते हैं और दूसरों के तलवे चाटते हैं। ये तलवे चाटने से काम चलेगा नहीं मेरे बंधु, आप लोगों को एक हो करके लड़ना पड़ेगा रहना पड़ेगा तभी आप लोग जो है ना हक प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा अलग अलग रहोगे तो इसी तरीके से कुटाओगे और पिटाओगे और मरोगे, आपको कोई बचाने नहीं आएगा। आपको बचना है तो आप लोगों को एक होना होगा। और सबसे बड़ी भारी बात यह है कि ये सब बातें ये ज्ञान की बातें साभा सोसाइटी से मिलती है और जो है आप लोगों को जो है ना संविधान को पढ़ना होगा तब कहीं आप लोग एक हो सकते हैं वरना जो ऐसे में काम नहीं चलेगा। हैं ऊपर ऊपर से कोई मतलब भले ही आप लोग जो है कोई शासकीय की सेवा में कोई अच्छे अच्छे पोस्ट पे होंगे लेकिन अगर आप लोग को सामाजिक ज्ञान नहीं होगा संविधान का ज्ञान नहीं होगा तो आप लोग कुछ नहीं कर सकते।
देश के लिए ना समाज के लिए। धन्यवाद दादा, विचार है। धन्यवाद दादा, सेवा जोहार। सेवा जोहार।